ओम महागणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी व्यक्तियों का, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ आपसे विशेष चर्चा करने के लिए। देखिए मेरी चर्चा का विषय क्या है। इस समय सिंह राशि के लिए अभी का समय और आने वाला समय कैसा बीतेगा वो मैं अलग से चर्चा कर रहा हूँ। सिंह राशि स्पेशल, मैंने और एपिसोड्स में विभिन्न राशियों की चर्चा की है, बृहस्पति से लाभ पाने वाली, बुध से, मंगल से, सूर्य से लाभ पाने वाली, सब लखपति करोड़पति राशियाँ। अब मैं सिंह राशि के लिए स्पेशल भी अलग से लेके आया हूँ। मेष राशि का मैंने अलग से स्पेशल लिया था क्योंकि मेष राशि के लिए भी शनिदेव ने अच्छी कृपा की है। अब सिंह राशि के लिए मैं देखता हूँ क्या शनिदेव भी अच्छी कृपा कर रहे हैं। तो 23 अक्टूबर से महाबली शनि जो बकरी से मार्गी हो रहे हैं, मकर राशि में बकरी से मार्गी हो जाएंगे और तेज चलेंगे। तेज गति से बढ़ने वाले शनि तेज तेज फल देंगे। तो सिंह राशि को 23 अक्टूबर 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक जब तक मकर राशि में ही रहेंगे कैसा फल दे रहे हैं भाई। बाद में तो जनवरी में ही 17 जनवरी 2023 को कुंभ में चले जाएंगे, उसकी बात मैं अलग करूंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि 17 जनवरी 2023 तक जब तक मकर में ही रहते हैं तो शनि जो है सिंह राशि वालों को कैसा फल दे रहे हैं। देखिए सिंह राशि के लिए शनि जो है छठे भाव में है। छठा भाव लोग अच्छा नहीं बताते, ज्योतिषी लोगों के लिए अच्छा नहीं है, पर छठा भाव इस समय देखिए शनि कहाँ है, मकर राशि में उच्च के हैं। सूर्य इस समय तो सूर्य भी उच्च के हैं, लग्नाधिपति उच्च के हों तो खराब ग्रहों में भी अपनी राशि में बैठने वाले ग्रह विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति भी और शनि भी, शनि छठे भाव में, बृहस्पति आठवें भाव में विपरीत राजयोग बना करके सिंह राशि वालों को बल प्रदान कर रहे हैं, अच्छा लाभ दे रहे हैं। शनि जो है तृतीय दृष्टि से बृहस्पति को भी देख रहे हैं। तो शनि का 23 अक्टूबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक का समय मकर राशि में लेकर के छठे भाव में लेकर के बारहवें भाव में दृष्टि जा रही है। तो विदेश से लाभ, विदेशी यात्राएं, विदेश से अच्छा बिजनेस का ऑर्डर, बिजनेस वालों को लाभ ही लाभ है। विदेश में नौकरी हो सकती है, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। तो शनि की कृपा से सिंह राशि वाले इस समय विदेश से बहुत लाभ पाएंगे। विदेश जाने का भी कारण बन सकता है कोई ना कोई, विदेश से लाभ हो सकता है, विदेश में तरक्की मिल सकती है, विदेश में पैसा, व्यापार सब कुछ अच्छा है भाई विदेश में तो। और बृहस्पति की कृपा मिल रही है। तो देखिए शनि जो है छठे भाव में बैठ करके आठवें भाव में दिख रहे हैं जहाँ बृहस्पति बैठे हैं, और बारहवें भाव को देख रहे हैं और तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो शनि की सारी दृष्टियाँ खराब भाव पर हैं छः में बैठकर, पर शनि छः में हम उच्च के मानना है इनको, उच्च के हैं, अपनी राशि में हैं, रोग रण से मुक्ति दिलाएंगे, सारी बीमारियाँ दूर करेंगे, शत्रुओं को भगाएंगे, दुर्घटनाएं नहीं होने देंगे, दुर्घटना होगी तो बचा लेंगे, और विदेश से लाभ कराएंगे। थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा विदेश जाने में, लेकिन लाभ भी लाभ होगा। और बारहवें में बृहस्पति को बल दे रहे हैं, तो बृहस्पति को बल दे रहे हैं तो अष्टम भाव से भी लाभ होगा, लॉटरी से, सट्टे से, शेयर से लाभ होगा। और बृहस्पति देखिए, बृहस्पति अष्टम में बैठ करके बारहवें को बृहस्पति भी देख रहे हैं, बारहवें भाव को शनि भी देख रहे हैं और बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो डबल डबल फायदा कहाँ, विदेश से तो शनि की कृपा भी मिल रही है और बृहस्पति की कृपा मिल रही है, सिंह राशि वालों को लाभ ही लाभ मिल रहा है विदेश से तो। और बृहस्पति देखिए धन भाव को भी देख रहे हैं, तो बाहर में शनि मतलब मीन राशि में बैठे हुए उच्च के उच्च सम भाव में कहिए सम राशि में बैठे हैं बृहस्पति, और धन भाव को देख रहे हैं
तो धन तो आना ही आना है। तो सिंह राशि वालों, आप लोग परेशान न हो, धन की कृपा होगी। विदेश से आए या देश से आए, पर बृहस्पति की कृपा तो मिलेगी। धन भाव से धन तो आएगा आएगा, और बृहस्पति की निगाह चौथे भाव पर भी है। तो चौथे भाव का मतलब सुख भाव का, तो बृहस्पति की कृपा से सुख भाव मतलब माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, माता से लाभ मिलेगा और सुख साधनों का अभाव नहीं रहेगा। कोई भी आप बंगला गाड़ी लेना चाहते हैं मिलेगा, जमीन से फायदा होगा। और देखिए, ये तो बृहस्पति और शनि की बात तो है ही है, ये तो शनि तो कृपा करेंगे करेंगे। शनि बहुत अच्छी कृपा कर रहे हैं, कब तक? जब तक मकर राशि में रहें। मकर राशि में रहकर शनि स्पेशल, ये शनि स्पेशल है। हालांकि सूर्य का राशि है, सूर्य जो शनि के पिता हैं और दुश्मनी मानते हैं, तो शनि कहेंगे अरे सिंह राशि को क्या करना, ये तो मेरे दुश्मन की राशि है। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। जो कृपा है तो कृपा है। अगर आदमी सिंह राशि वाले ईमानदारी से परिश्रम करते रहें, मेहनत करें और ईमानदारी से न्याय संगत काम करें, कोई गड़बड़ काम ना करें, तो शनि के अवश्य कृपा पात्र बनेंगे। शनि की कृपा तो बरसेगी बरसेगी, न्यायाधीश हैं, न्याय तो करेंगे। अगर आपने अच्छा काम किया है, मेहनत की है, अपने काम में मेहनत लगा के रहो, लगे रहो, शनि की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। शनि आपसे मेहनत कराएंगे कराएंगे, खूब मेहनत करिए, अपने काम में लगे रहिए। देखिए, और ये तो रहा शनि बृहस्पति की तो बात तो रही रही, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभकारी ग्रह तो आपके मंगल हैं। देखिए, मंगल अभी अभी तो कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, कर्म स्थान में बैठकर मंगल जो है अभी तो जो है कहाँ हैं, अभी तो दशम भाव में हैं। लेकिन अब 16 तारीख को आगे बढ़ जाएंगे, तो मैं बात कर रहा हूँ 23 तारीख से। तो 23 तारीख को मंगल आगे 11वें भाव में, लाभ भाव में। तो लाभ भाव के मंगल तो भाई लाभ ही लाभ करेंगे। अब तो लाभ भाव में मंगल बैठ गए 11वें भाव में, तो दशरी कहाँ गई? दूसरे भाव में। तो मंगल भी धन को देख रहे हैं, धन भाव को, और बृहस्पति भी देख रहे हैं धन भाव को। तो भाई धन तो मंगल की कृपा, बृहस्पति की कृपा, धन तो आएगा ही आएगा। कहाँ से आए? मंगल की कृपा से, भूमि भवन के कार्यों से, जमीन के कार्यों से मंगल आपको धन दिलाएंगे, और बृहस्पति अच्छे कार्यों से। तो धन भाव में तो मंगल की और बृहस्पति की दोनों की दृष्टि पड़ रही है भाई, और मंगल की दृष्टि 5वें भाव पड़ रही है। संतान को भी लाभ दिलाएंगे, संतान भी तरक्की करेगी, संतान को उन्नति मिलेगी, परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास होगी संतान। और छठे भाव पर भी जहाँ शनि बैठे हुए हैं, वहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है भाई, क्या कहने। तो रोग से ऋण से मुक्ति दिलाने में भी मंगल भी कृपा कर रहे हैं भाई। तो ये तो शनि मंगल बृहस्पति बड़ी कृपा दे रहे हैं भाई। और देखिए, सूर्य बुध शुक्र कहाँ गए? अभी 16 तारीख से, 18 तारीख से और 26 तारीख से बुध भी आ जाएंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में यानी तुला राशि में। तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है, तो शुक्र तो लाभ करेंगे ही करेंगे ना अपनी राशि में बैठ करके। और देखिए, सूर्य भी जो है वहाँ पर नीच भंग हो गया। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, पर शुक्र साथ में बैठे हुए हैं तो नीच भंग हो गया। तो भाई पराक्रम, सप्तम भाव का मतलब पराक्रम। पराक्रम मीन्स परिश्रम। जितना परिश्रम करोगे उतना ही शनि लाभ देंगे, और उतना ही लाभ आपको तीसरे भाव से मिलेगा। परिश्रमी आप बहुत उद्यमी होंगे, बड़ी भागदौड़ मेहनत करेंगे तो आपको लाभ तो मिले। यात्राएं करेंगे आप, जाना आना बहुत होगा आपको, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और जितना जाना आना होगा उतना ही लाभ मिलेगा। तो भाई इस समय सिंह राशि वालों के लिए मैं सच बता रहा हूँ, अच्छा समय चल रहा है जनवरी 2023 तक, जब तक शनि मकर राशि में है। और देखिए, उसके बाद शनि आ जाएंगे कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि का मतलब 11वां भाव, तो 11वां भाव फिर लाभ देंगे। अभी तो कर्म स्थान में, अभी तो शनि की मतलब जो है, अब शनि यहाँ 11वें भाव में आ जाएंगे। 11वें भाव मीन्स 11वीं राशि में, सॉरी 11वीं राशि में आ जाएंगे। तो 11वीं राशि का मतलब क्या है? कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में आकर
कुंभ राशि कहाँ बैठ रही है, सप्तम भाव में बैठ रही है, परिवार भाव में बैठ रही है और लग्न को देख रही है। तो ग्यारहवीं राशि में जब आ गए, अपनी त्रिकोण मूल त्रिकोण राशि में शनि आ गए जब, बाद में जनवरी 23 के बाद भी और पूरे 2.5 साल तक, तो भाई क्या कहने हैं। तो परिवार भाव में बैठ करके और लग्न को देखना, ये भी सिंह राशि वालों के लिए आगे आने वाला टाइम भी अच्छा रहेगा, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो सिंह राशि वालों, आपका बड़ा अच्छा टाइम है, जनवरी 2023 तक तो अभी अच्छा है, उसके बाद भी ऐसे अच्छा आ रहा है, कृपा मिल रही है, शनि की, बृहस्पति की, मंगल की, शुक्र की, सबकी कृपा मिल रही है। तो मैं यहाँ विराम लूँगा और आपसे निवेदन है, सिंह राशि वालों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जाते जाते कमेंट में श्री गणेश नाम लिखो और गणेश बाबा की कृपा पाओ। तो मित्रों नमस्कार।